वैसे तो ब्रजभूमि का कड़कड़ ही राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की गवाही देता है, लेकिन राधा रानी के निज धाम बरसाना में उनकी लीलाओं के अनेकों चिन्ह आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा चंद्रमा से ब्रजवाहन दुलारी के सौंदर्य की तुलना करने के पश्चात श्री राधा रानी को यह चीज बहुत गलत लगी और वह श्री कृष्ण से रूठकर एक शिला के पीछे छुप गईं। वह शिला आज भी श्री मान मंदिर में विराजमान है। आज हम इस वीडियो में आपको इस मान मंदिर के बारे में ही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यात्रा द ट्रिप में। दोस्तों, आज हम हैं बरसाना में और आज हम बरसाना में आपको ऐसी जगह विजिट कराने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस जगह का नाम है मानगढ़। दोस्तों, वैसे तो बरसाना में आप सभी ने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हुए होंगे, जिसमें से सबसे प्रमुख है राधा रानी का मंदिर, जिसे श्री लाडली जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को श्री जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ खिंचे चले आते हैं। श्री जी मंदिर का अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा। साथ ही आपको यहाँ लठमार होली कैसे खेली जाती है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पास ही में स्थित है कीर्ति मंदिर, जो कि विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लाडली जी अपनी माता की गोद में विराजमान है। कीर्ति मंदिर का डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यहीं पास में एक जगह और स्थित है जिसे हम खेलनबन के नाम से जानते हैं, जहां राधा रानी अक्सर खेलने आया करती थी। इस प्लेस का भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मान मंदिर वही प्राचीन स्थल है जहाँ राधा कृष्ण की मान लीला हुई थी। श्री कृष्ण द्वारा चंद्रमा से राधा रानी के सौंदर्य की तुलना करने के पश्चात ही राधा रानी मान करके इसी स्थान पर बैठ गई थी। ब्रज के एक बहुत ही महान संत रमेश बाबा इसी मंदिर में निवास करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मानगढ़ मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। श्री जी के मंदिर के ही पास स्थित है मानगढ़ में स्थित यह मान मंदिर। 10 से 15 मिनट का सफर तय करके आप इजीली श्री मंदिर से यहाँ मान मंदिर पहुँच सकते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मान मंदिर के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो यह जानते होंगे कि मान मंदिर में एक गुफा भी मौजूद है, जिस गुफा में प्राचीन शिला स्थित है जहाँ राधा रानी कृष्ण से रूठ कर छिप कर बैठ जाया करती थी। मान्यता यह है कि एक बार ब्रजवान नंदिनी ने 16 श्रृंगार करके जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो श्री कृष्ण ने ब्रजवान नंदिनी के सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से कर दी, जो कि ब्रजवान नंदिनी जी को बुरा लगा क्योंकि चंद्रमा के सौंदर्य में दाग है। बस इसी बात को लेकर राधा रानी एक शिला के पीछे जाकर छुप कर बैठ गई। यह वही शिला है जो आज भी मान मंदिर में देखी जा सकती है। श्री कृष्ण के घंटों अनन्य व विनय करने के पश्चात ही श्री राधा रानी ने गुस्सा छोड़ा। हजारों साल बाद आज भी वही शिला मंदिर की गुफा में स्थित है। माना जाता है कि उक्त शिला को गौर से देखने पर उसमें राधा रानी की छवि व हाथ का पंजा दिखाई देता है, जबकि आज से 60 साल पहले ब्रज के महान संत रमेश बाबा ने इसी गुफा में बैठकर करीब 30 सालों तक साधना की थी। आज भी उस शिला पर राधा रानी के लिए खेल खिलौने और भोग लगाए जाते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मान मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं और आपको कराते हैं श्री मान बिहारी जी के दर्शन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उनको श्री मान बिहारी जी के नाम से पूजा जाता है। आइए चलते हैं, एक बार कर लेते हैं श्री मान बिहारी जी के दर्शन। बोलो श्री मान बिहारी जी की जय। यहीं पीछे की तरफ श्री मान मंदिर के प्रांगण में बनी हुई है एक जगह जहां पर सबसे पहले नृत्य किया गया था। इसी स्थान पर सबसे पहला नृत्य हुआ था।
दोस्तों जब आप इस मंदिर में विजिट करेंगे तो इस जगह को जरूर भ्रमण कीजिएगा। यही पास में ही एक जगह है जहां पर मोर रूप में श्री कृष्ण भगवान ने नृत्य किया और राधा जी को खुश किया, उस जगह को मोर कुटीर के नाम से जाना जाता है। संत श्री रमेश बाबा द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला का संचालन किया जा रहा है जिसे श्री माताजी गौशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 40 से 45,000 गौ माताओं की सेवा की जा रही है। दोस्तों बरसाना में ही स्थित है मान मंदिर। देश की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर, मथुरा और वृंदावन से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री मान मंदिर। श्री लाडली जी महाराज के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मान मंदिर। अगर आप श्री जी मंदिर से पैदल जाना चाहते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में ही आप मान मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको कर दीजिएगा लाइक और भक्तों को कर दीजिएगा शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज का यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार और कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।